हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैं बिल्कुल आसानी तरीके से बना के दिखाऊंगी। आपकी भी किचन में इतनी ही अच्छी, इतनी ही कड़ाड़ी भटूरे बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लाइक कर देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम भटूरा के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम एक बड़ा सा बोल में लेंगे यहाँ पे 300 ग्राम मैदा। मैदा को हमने छान लिया है और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच सूजी लेंगे। ये बारीक वाली सूजी है, इसे भी डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। साथ में डालेंगे हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1/4 कटोरी दही। दही ताजी होनी चाहिए, ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसे भी हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें भटूरे के लिए एकदम सॉफ्ट डो लगाना होता है। सबसे पहले हम दही के साथ मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंथेंगे। तो चलिए अब हम हाथ से गूंथ लेते हैं। चम्मच को साफ करके हटा देंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे को अच्छे से गूंथेंगे। क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठी को बांधेंगे और इसकी मदद से 2 से 3 मिनट तक मैदे को ऐसे मसलेंगे। यानी कि बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें, यानी कि पूरी पराठे से होना चाहिए। को अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको एक बार और गूंथ लेंगे। इससे क्या होगा, ये चिकना हो जाएगा। मैं थोड़ा सा तेल डाला है, ज्यादा तेल नहीं डालना है। अब हम मैदे को फर्मेंट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो 1/2 घंटा में भी बना सकती हैं। ज्यादा छोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया भटूरा तैयार होगा। 1 घंटा हो चुका है। चलिए अपनी भटूरे की डो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी भटूरा जो है डो फूल चुकी है, यानी कि पहले से सॉफ्ट हो चुकी है। हमें ऐसे ही डो चाहिए भटूरे के लिए। तो चलिए हम डो की लोई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिर एक बार डो को ऐसे हाथ से मसल लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम हाथ में ऐसे तेल लेंगे और डो को अच्छे से मसलेंगे। डो को हमने मसल लिया, अब फिर से हम हाथ को ऐसे तेल से ग्रीस करेंगे और इसकी लोई काटेंगे। लोई काटने का एक तरीका मैं आपको आसानी से बता देती हूँ। ऐसे हम अंगुली और अंगूठी के बीच से ऐसे एक एक बॉल्स निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना चिकना अपना बॉल्स निकल चुका है। फिर हम थोड़ा सा डो लेंगे और अंगुली और अंगूठी के बीच से ऐसे प्रेस करके लोई काट लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, पर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे निकालिए। तो ऐसे हम एक साइज की लोई बना लेंगे। ये लास्ट में जो बची है उसे हम ऐसे मसलते हुए गोल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इतने डो में हमने 9 लोइयां तैयार की हैं। अब चलिए हम इसे बेलना शुरू करते हैं।
हमने एक रोटी बनाने वाला चकला ले लिया है। इसको हम तेल से अच्छे से चिकना कर लेंगे, क्योंकि मैदा जब हम बेले तो चिपकना नहीं चाहिए। और ये बेलन को भी हम अच्छे से तेल से ऐसे चिकना कर लेंगे। अब हम एक लोई को अंगुलियों से ऐसे प्रेस करके फैला लेंगे, थोड़ा हाथ से फैल जाना चाहिए। फिर हम बेलन की मदद से इसे ऐसे बेलेंगे। एक से दो बार हम भटूरे को उठा के ऐसे बेलेंगे, बाद में हम चकला को फैलाते हुए बेलेंगे। हमने ऐसे बेला, चकला को फैलाया, बेला, चकला को घुमाया। आपको बड़ी या छोटी साइज जैसी भटूरे पसंद है वैसा बनाइए, क्योंकि हम तो घर के लिए बनाते हैं, कोई मार्केट में हमें बेचना नहीं है। तो हमने ये लंबे साइज वाला भटूरा बनाया है, आपसे नहीं बनता है तो गोल वाला भी बनाइए, पर यही शेप सही होता है भटूरे का। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भटूरा तैयार हुआ है, न ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है। अब चलिए हम गैस की तरफ तेल गर्म किए हैं, वहां ले चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है, तेल गर्म हो चुका है। तेल को हमें हाई हीट करना है, तभी भटूरा अपना रफ रफ तैयार होगा, ये बात का ध्यान रखिए। अब हम भटूरे को हाथ, अब हम धीरे से भटूरा को तेल में छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं तेल में पड़ते ही भटूरा अपना तैरने लगा है, यानी कि तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है। हमने चम्मच से प्रेस किया तो ये फूल ही गया है। अब हम इसे एक बार फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ही अच्छी भटूरा की पहचान होती है, डालते तेल पे तैर जाना चाहिए, दोनों साइड से एकदम फूली फूली सीख जाना चाहिए। तो ये रही ना आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरा। हमने दोनों साइड से भटूरे को सीख लिया। अब हम चम्मच से टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही अपनी भटूरा। फ्रेंड्स, हमने इतनी आसानी से भटूरा बना के आपको दिखा दिया, तो आप भी इस भटूरे को अपने किचन में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए, कोई भी पार्टी में बनाइए। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार रेसिपी है, और मेरे चैनल को